बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स हेल्थ के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स का आज आप मेरे साथ देखोगे जी एक नया टॉपिक, और आपके जो चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सेकंड पोर्शन को आज हम डील करेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम। इससे पहले टॉपिक नंबर 2.4 तक हमने तमाम चीज़ें जो है वो वेक्टर्स की स्टडी की थी। वेक्टर्स के साथ प्रोडक्ट देखा हमने, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमने वेक्टर्स के साथ डिफरेंट चीज़ें जो है वो देखी, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, कैसे वापस में ऐड होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने टिल द टॉपिक नंबर 2.4 तक जो है वो डिस्कस किया आपका वेक्टर्स का पोर्शन। आज हम देखेंगे जी, और आपका जी ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड और थर्ड, टोटल 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हम मैट्रिक लेवल तक पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब वही कंडीशंस को क्या किया जी आपकी इंटरमीडिएट की बुक में डिवाइड कर दिया गया। किस तरह से कि आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फोर्सेस के साथ डील करेगी और आपकी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन जो है वो डील करेगी टॉर्क के साथ। और फिर बात आ जाएगी कि कब जो है वो आपके पास बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम देगी और कब आपको बॉडी जो है वो प्रोसेस करेगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारा कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के साथ साथ जो है वो प्रूव होता जाएगा। तो ये जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले 2.5 इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है अबव एग्जांपल नंबर 2.7। और हमने ये वाला टॉपिक भी करना है जी आपके नोट्स में से। आपके सामने जो है नोट्स ओपन हो गए हैं स्क्रीन पे, यहाँ से हम लोग करेंगे जी अपना इक्विलिब्रियम का टॉपिक, और इसमें फर्स्ट सेकंड कंडीशन का इक्विलिब्रियम को डील करेंगे हम लोग। तो पहला आपने इंट्रोडक्शन देना है इक्विलिब्रियम का, कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तब हमारे पास इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अगर वो मूव कर रही हो स्पेशल वेलोसिटी के साथ तब उसके अंदर कौन सी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कर रही होती है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में लाजमी मेंशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी इक्विलिब्रियम, सबसे पहले उसकी आएगी जी डेफिनेशन, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए। When a body is at rest or moving with a uniform velocity, अगर कोई body rest पे है या फिर uniform velocity के साथ, एक uniform speed के साथ, constant speed के साथ वो move कर रही है, तो उस state को हम लोग क्या कहते हैं, equilibrium। When a body is at rest or moving with the uniform velocity, it is said to be in the state of equilibrium. इन रेस्ट पोजिशन इट्स इक्विलिब्रियम इज स्टेटिक, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पोजिशन को, उस इक्विलिब्रियम की पोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटिक इक्विलिब्रियम। इन मूविंग पोजिशन इट्स इक्विलिब्रियम इज नाउन एज डायनामिक, यानी कि मूविंग पोजिशन में वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है और एक्सीलरेशन उसमें क्या है, जीरो है, ये एमसीक्यू भी है, तो तब आपके पास इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप एग्जिस्ट करेगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स इक्विलिब्रियम बिकम्स ट्रांसलेशनल, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर होगी बिल्कुल सीधा, यानी कि मूवमेंट है, कहीं पे कोई टर्न्स एंड रेशियोज नहीं है आपके पास, तो आपके पास जो बॉडी है वो क्या देगी, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, कौन से इक्विलिब्रियम की टाइप को प्रोसेस करेगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर वो सर्कल में मूव कर रही है तब हमारे पास कौन सी रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, तब अल्फा हमारे पास जो होता है वो जीरो होता है। तो क्या है जी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स इक्विलिब्रियम बिकम्स ट्रांसलेशनल, व्हेन इट इज moving in a circle its equilibrium becomes the rotation। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आपकी पहली कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो कब सेटिस्फाई होगी, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। If vector sum of all the forces acting on a body having zero value are the resultant, then the body falls in the first condition of equilibrium. क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा vector sum, जो सारी forces जो एक body पे act कर रही है चारों side से, उसका जो sum है वो zero आ जाता है, तब हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंडर फॉल करेगी। कंपोनेंट्स फॉर्म में नीचे आपको ये है फिगर डीवी की एक बॉडी है और उसकी चारों साइड से जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ माइनस एक्स, यहाँ वाली सारी टर्म्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगी, तो हमारे पास साइंस क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। जब हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे तब हमारे पास कटिंग होने के बाद हमारे पास आंसर्स क्या आ जाते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि रिजल्टेंट हमें क्या देगा,
जीरो देगा और यही चीज यहाँ पे भी मेंशन की गई है आपकी बुक में। फिर क्या कह रहे हैं जी, इफ सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अभी हमने जो ऊपर बात की है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हुई है, राइट वर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी के लेफ्ट वर्ड, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्स एक्सिस। नीचे अब आ जाते हैं वाई एक्सिस के बारे में, यानी कि निचले वाले पोर्शंस के ऊपर बात करते हैं। पहले उन्होंने किस चीज की बात की है, पहले ऊपर एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात की है। अब हमारे पास जो है वो बात होने जा रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की। इफ सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग, अगर हम उसी तरीके से अगर फॉर्म करते हैं वाई एक्सिस को समेशन एफ प्लस वाई इक्वल टू समेशन एफ माइनस वाई, तो क्या होगा जी, माइनस समेशन एफ वाई एफ माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। क्या कहते हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग द वाई एक्सिस, यानी कि ऊपर से जो हमारे पास है सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस इक्वल होंगे सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि डाउनवर्ड, तब हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम होगी वाई एक्सिस के अलोंग। इन फर्स्ट कंडीशन बॉडी लाइज, पहली कंडीशन में हमेशा बॉडी या तो फिर होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तब हमारे पास कौन सी कंडीशन देती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम आता है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक नंबर 2.5 इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। नीचे आपके पास जो है वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.7, और उसमें क्या बताया जा रहा है कि लोड सस्पेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स आज शॉन द फिगर 2.15, ये वाली जो फिगर है ये आपकी इस एग्जांपल की है, डिटरमिन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट द पी इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज्ड इज 50 न्यूटन। हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं कि फॉर यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट पी आर शोन बाय फोर्स डायग्राम एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 2.16 में, उन्होंने आपको फोर्सेस बता दी हैं सारी, वे डब्ल्यू इज अज्यूम टू बी द मैक्सिमम वेट विच कैन बी सस्पेंडेड, द इंक्लाइंड फोर्सेस कैन नाउ बी इजिली रिजॉल्व अलॉन्ग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं, ऊपर अगर फिगर दिखी जाए जो क्वेश्चन का पार्ट है, तो उसको अगर हम इस तरह से रिजॉल्व करवाते हैं, तो यहाँ पे जो टी वन है वो हमारे पास 60 का एंगल बना रहा है पॉइंट पी और डब्ल्यू वेट नीचे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास 20 डिग्री है, तो समेशन एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, टी टू कॉस 20 डिग्री, डी टू कॉस 20 डिग्री माइनस टी वन कॉस 60 डिग्री इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो टी वन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1.88 t2, इसको जब हमने किया रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या दे जाएगा, 1.88 t2 के। देन हमारे पास टी वन क्योंकि ग्रेटर है, टी वन क्योंकि टी वन की मैक्सिमम टेंशन है, तो टी वन हमारे पास गिवन क्या आता है, 50 न्यूटन। देन टी टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 26.6 न्यूटन, क्योंकि वो क्या है, 1.88 t2। तो हमारे पास मेशन एफ वाई भी जीरो के इक्वल हुआ और साइन के साथ हमने उसको रिजॉल्व करवाया, तो वेट हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, 52 न्यूटन। तो मैक्सिमम वेट यानी कि हमारे पास इसमें कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 50 न्यूटन का। आगे आ जाते हैं आपका टॉपिक नंबर 2.6 यानी कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, कि टॉर्क का जब हमारे पास सम इक्वल टू जीरो हो जाए तब हमारे पास कौन सी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्विलिब्रियम की, सेकंड कंडीशन। तो आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले फिगर देखें हमारे पास क्या है जी, एक बॉडी है और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या एक्ट खड़ी है, फोर्स एक्ट हो रही है। और अगर इसकी अगर हम थोड़ी सी जो है वो स्टडी देखें अपनी बुक के पार्ट से, तो क्या कह रहे हैं, लेट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी पे क्या कह रहे हैं कि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड येट इट मे रोटेट हैविंग क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। As discussed earlier, for angular acceleration to be zero, the net torque acting on the body should be zero. Thus, for a body in equilibrium, the vector sum of all the torques acting on it about any arbitrary axis should be zero. This is known as the second condition of equilibrium. तो rigid body पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है जी, हमारे पास clockwise forces act हो रही हैं। तो नीचे हमारे पास क्या state कर रहे हैं कि if vector sum of all the torques acting on a body having zero value or resultant, then the body falls in the second condition of equilibrium. अगर हमारे पास इन सब का vector sum जो है torque का
जो वर्ड डिपेक्ट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी इक्विलिब्रियम की? सेकंड कंडीशन। तो समेशन टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू समेशन टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह सेक्ट होगा। तो यहां से अगर हम इक्वेशन यहां पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या साइन हो जाएगा? माइनस माइनस समेशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू जीरो, तो समेशन टॉर्क हमारे पास क्या आ जाता है? इक्वल्स टू जीरो। व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट्स इक्विलिब्रियम इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कौन कौन से इक्विलिब्रियम थे? स्टैटिक और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जबकि सेकंड कंडीशन में हमारे पास कौन से इक्विलिब्रियम की आएगी? टाइप रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब हमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम को देखना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए कि समेशन फोर्स इक्वल्स टू जीरो, एफएक्स और एफवाई दोनों पे फोर्सेस क्या एक्ट होंगे? दोनों एक्सिस पे जीरो होंगे, और समेशन टॉर्क जो है वो भी सेकंड कंडीशन भी हमारे पास समेशन उसका क्या होगा? जीरो के इक्वल आएगा। नीचे हमारे पास जो है दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कब हमारे पास बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी और कब हमारे पास बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। क्या कहते हैं जी, वन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे हमारे पास सबसे पहला पार्ट आ गया जी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। जबकि वन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देन हमारे पास क्या आ रहा है जी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेट टू बी इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बट इफ द बॉडी इज इन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज सेट टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नीचे उन्होंने एप्लीकेशंस बताए कि वे इन रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशंस ऑफ अबव मेंशन कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम टू द सिचुएशंस इन विच ऑल द फोर्सेस लाई इन द कॉमन प्लेन। सो कॉमन प्लेन में जब फोर्सेज एक्ट कर रही होती है तो उन फोर्सेज को हम कौन सी फोर्सेज कहते हैं? कोप्लैनर फोर्सेज। वी ऑल विल ऑल्सो अज्यूम दैट दीज फोर्सेज लाई इन द एक्स वाई प्लेन। If there are more than one object in the equilibrium in a given problem, one object is selected at a time to apply the conditions of the equilibrium. तो यहाँ पे हमारे पास रह जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.8 और 2.9। 2.8 में क्या बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज स्पॉटेड हॉरिजॉन्टली एज शोन। इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन, हाउ फार कैन अ मैन ऑफ द वेट 400 न्यूटन वॉक फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द बीम एज शोन इन द फिगर 2.18। ठीक हो गया, क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म बीम कितने एक्ट करी है 200 न्यूटन की और स्पॉटेड हॉरिजॉन्टली, किस तरह से स्पॉट की जा रही है? हॉरिजॉन्टली। अगर वो कह रहे हैं कि ब्रेकिंग टेंशन जो रोप की है वो हमारे पास कितनी है 400 न्यूटन है, ये आपको फिगर पे पता चल रहा है। हाँ कि तो एक मैन जिसका वेट कितना है 400 न्यूटन, वो कितना वॉक कर सकता है पॉइंट ए से लेके बीम के आगे तक? उसके लिए हम क्या देखेंगे कि लेट द ब्रेकिंग पॉइंट टू बी एट अ डिस्टेंस फार फ्रॉम द पिवट ए, द फोर्स डायग्राम एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन। तो हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं? सेकंड कंडीशन। तो 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 6, 400 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, जो आपका ऊपर हमारे पास टोटल कितना है बीम का डिस्टेंस, माइनस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी, माइनस 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और डिस्टेंस हम लोगों ने क्या बनाना है, कितना वो वॉक करेगा वो कैलकुलेट करेंगे, आपस में इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है 4.5 मीटर। नीचे वाली जो एग्जांपल है वो भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन को मिला के जो है वो सॉल्व होगी, और आपने आर टू की वैल्यू निकालनी होगी वो आप खुद देखेंगे, और आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाता है। इक्विलिब्रियम का टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन को नोट्स में से आपने इसको कम्प्लीट करना है, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।